सत्य, तटस्थ आ निष्पक्ष समाचार, समाज बदलवाक हमर सभक अभियान। प्रणाम, ई अछि टाइम्स टेलीविजन, अपने देख रहल छी टाइम्स समाचार, हम दीपक। शुरू करी, प्रदेश सरकार गठन भेल एक वर्ष बीतल रही तो एखन धरि राज्य मंत्री सब जिम्मेवारी विहीन रहल संबंधी समाचारक प्रसंग सँ। प्रदेश सरकार गठन भेल एक वर्ष से बेसी समय बीत चुकल रही तो एखन धरि राज्य मंत्री सब जिम्मेवारी नहीं पेने छथि। संघीय समाजवादी फोरम आ राष्ट्रीय जनता पार्टी के संयुक्त गठबंधन के प्रदेश नंबर दू में सरकार अछि, मुदा कोनो भी मंत्री सब राज्य मंत्री के जिम्मेवारी नहीं देने छथि। जिम्मेवारी विहीन बनौलाक बाद राज्य मंत्री सब असंतुष्ट देखल गेल छथि। अधिकांश राज्य मंत्री सब काज नहीं पेने कहैत पार्टी के हार गुहार लगाबे लागल छथि। मंत्री सब कार्यभार राज्य मंत्री में प्रत्यायोजन नहीं कला से राज्य मंत्री सब जिम्मेवारी विहीन छथि। मंत्री विभागीय जिम्मेवारी नहीं दिला से राज्य मंत्री सब अपन अपन पार्टी गुहारि रहल छथि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के दिस से सिरहा क्षेत्र नंबर 4 के ख से निर्वाचित सुरेश मंडल प्रदेश 2 के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मंत्री बनल 9 महीना बीत चुकल, मुदा 9 महीना धरि और मंत्रालय में कोनो जिम्मेवारी नहीं पेने छथि। राज्यपाल नेपाल राज्य मंत्री सब के जिम्मेवारी देव पड़बाक सहित के परिपत्र पठौने अछि। काज विहीन बनल मंत्री सब अपन कार्यकक्ष में कार्यकर्ता सब संग भेंट ख क चाह पान पीब खाबाहक किछु नहीं कह सकल छथि। शपथ ले के एक वर्ष भएको छ, ठ्याक्कै 8 महिना पूर्ण लागेको छ। जिम्मेवारीको नाउँमा राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएर आएको छु, तर कामकाज खासै छैन। मन्त्रालयको जुन पद्धति हुन्छ, कुनै पनि काम मन्त्री कहाँ जानु पूर्व राज्य मन्त्री कहाँ जानुपर्छ, त्यो एउटा मोडेल हो। अर्को मोडेल, मन्त्री र राज्य मन्त्री बिच कामको बाँडफाँड हुन्छ। यो दुईवटा मोडलहरू मध्ये एउटा मोडल पनि अप्नाइएको छैन। त्यस कारण तपाईँ जस्ता मित्रहरू आउनुहुन्छ, उहाँलाई चिया खुवाउँछु, सुधुको कुरा हुन्छ, टाइम भएपछि फेरि घर जान्छ। साउन 9 गते भौतिक पूर्वाधार आ सामाजिक विकास राज्य मंत्री के जिम्मेवारी पेने डिम्पल झा तथा अभिराम शर्मा सेहो काजविहीन छथि। मंत्रालय आबत जाबत आ सार्वजनिक कार्यक्रम में सहभागिता बाहेक ओ सब पद अनुरूप के विभागीय जिम्मेवारी नहीं पेने छथि। जिम्मेवारी नहीं पेने राज्य मंत्री सब पार्टी के गुहारि रहल छथि। राज्यपाल से राज्य मंत्री बनल सब अध्यक्ष मंडल समक्ष की त जिम्मेवारी दियाब आ नहीं त सरकार से फिरता बजाब के मांग केने छथि। उनका सबके मांग के आधार में राज्यपाल 3 दिन भीतर राज्य मंत्री के अधिकार प्रत्यायोजन कर अपन दिस से सरकार में सहभागी मंत्री सब के अल्टीमेटम सहित के पत्राचार कलक अछि, मुदा आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव अपन मंत्रालय से राज्य मंत्री सब के लिखित रूप में जिम्मेवारी देने जानकारी दिलन, मुदा किस मंत्रालय सब से राज्य मंत्री सब के जिम्मेवारी नहीं देने मंत्री सब के जिम्मेवारी के लिए पहल करब से हो ओ जानकारी देने छथि। यो त्यस्तो अवस्था त छैन। हामीहरू अहिले खास गरेर के गरेका छौँ, राज्य मन्त्रीहरूलाई कुन कुन सेक्टर दिने भनेर लिखित नै जिम्मेवारी दिइसकेका छु। अब जस्तै म मानौँ न, आन्तरिक मामला कानुन मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीलाई चाहिँ जेल, त्यसपछि सूचना सञ्चार लगायतका जिम्मेवारीहरू लिखित जिम्मेवारी नै दिइसकेका छौँ। कतिपय मन्त्रालयमा अहिले चाहिँ लिखित जिम्मेवारी दिएको छैन, तर हामी चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूलाई रिक्वेस्टै गरेका हौँ। मन्त्री परिषदमा पनि कुरा भएको थियो र हाम्रा शीर्ष नेताज्यूहरूले पनि यो हामीहरूलाई निर्देशन दिया हो। त्यो अनुसार पनि हामी चाहिँ जिम्मेवारी उहाँहरूलाई कोट गरेर लिखित जिम्मेवारी नै दिने कुराहरू छन् र प्राय मन्त्रालयहरूबाट त्यस्तो जिम्मेवारी आइसकेका छ राज्य मन्त्रीज्यूहरूलाई। अझ कुनै मन्त्रालयमा छैन भने त्यसलाई तुरुन्त चाहिँ दिनको लागि हामी पहल गर्नेछौँ। कानुन मन्त्रालयबाट चाहिँ लिखित जिम्मेवारी गइसकेको छ, त्यसपछि आर्थिक मामला मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी गइसकेको स्थिति छन्। कृषि मन्त्रालयबाट चाहिँ जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्था छ। अब वन, त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट बाँकी छ, यहाँबाट पनि जान्छ होला छिटै।
राजनीतिक जोड़ घटाव मिलावल राजपा सतीन आ संघे समाजवादी फोरम सतीन के 6 गोटे राज्य मंत्री नियुक्त भेल छला। फोरम से सहभागी राज्य मंत्री सब के अवस्था से ओहने छन। मंत्री के सहयोग आ मंत्रालय के कामकाज के गति देव राज्य मंत्री नियुक्त कैल गेल रहितो मंत्रालय के कार्यभार विभाजन नहीं भेला से योजना बांड फांड बजट विनियोजन नीति निर्माण कोनो भी राज्य नीति निर्माण में कोनो भी राज्य मंत्री के भूमिका नहीं है। किछ राज्य मंत्री सब जिम्मेवारी नहीं पेने खुल के बताब रहल रहितो कतेक गोटे पार्टी में जानकारी कराब रहल रहितो बाहर बाजन नहीं चाह रहल से अवस्था है। प्रदेश दू सरकार प्रदेशक सब जिला में प्रमुख जिलाधिकारी के समानांतर प्रदेश प्रशासन अधिकारी राख के तैयारी कलक है। प्रदेश सरकार एक के लिए प्रदेश सभा में विधेयक से दर्ता करा चुकल है। प्रदेश दू के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव प्रदेश प्रशासन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक प्रदेश प्रशासन एन 2075 प्रदेश सभा के आगामी अधिवेशन में पेश कल जा जानकारी देने। मंत्री यादव प्रदेश प्रशासन एन विधेयक दर्ता का मंत्रिपरिषद से प्रदेश सभा में पेश करवाक निर्णय कल जा चुकल बतौलन। ओ संविधानक अनुसूची 6 के एक अनुसार प्रदेश प्रहरी आ शांति सुरक्षा प्रदेश के एकल अधिकार के सूची में रहला से प्रदेश सरकार अपने प्रमुख जिलाधिकारी राख के तैयारी कर रहल से प्रश्न केने छथि। जिला में दुईवटा सीटों किन हुन्छ एउटा संघीय सरकार संघीय सरकार को संविधान अहिले चाहिँ संविधान हेर्ने हो भने संविधान में कहीं पनि प्रशासन चाहे प्रमुख प्रशासन या जिला प्रशासन प्रमुख राख्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएकै छैन। त्यो अधिकार त प्रदेश सरकारलाई हो अनि त्यसकारण राख्ने हो भने प्रदेश सरकारले राख्छ। संघीय सरकारले के राख्न सक्छ नागरिकता राहदानी सीमा सुरक्षा अधिकारी जिला प्रशासन प्रमुख राख्ने होइन। त्यो अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएछ या होइन उहाँहरूले समन्वय गरेर काम गर्न सक्छ समन्वय गर्न खोज्छ भने हामी त्यो कुरामा फ्लेक्सिबल छौँ। ओ शांति सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार अंतर्गत जिला प्रशासन प्रमुख राखल जात से कहलन। विधेयक के प्रस्तावना में प्रदेश भीतर शांति सुव्यवस्था कायम राख प्रदेश प्रशासन संबंधी कानून बनाब वांछनीय रहल से उल्लेख है। प्रदेश सभा से विधेयक पारित भेलाक बाद प्रदेश सरकार राजपत्र में सूचना प्रकाशित केने मिति से एन लागू हैत। विधेयक में प्रदेश दू के 8 जिला में प्रदेश प्रशासन अधिकारी तोकबाक उल्लेख है। एन में प्रदेश प्रशासन कार्यालय में प्रदेश सरकार प्रदेश निजामती सेवा के राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के एगोटे प्रशासक नियुक्त करवाक कहल गेल छे। प्रदेश सरकार के नीति आ निर्देशन अनुरूप समन्वयात्मक तरीका से अपन क्षेत्राधिकार भीतर सामान्य प्रशासन संचालन शांति सुरक्षा तथा सुशासन कायम कराब के उत्तरदायित्व प्रदेश प्रशासन अधिकारी के रहत। प्रदेश प्रशासन अधिकारी कर्फ्यू लगाब सकबाक दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कर सकबाक विशेष अवस्था में गोली चलाक परिस्थिति काबू में आन के आदेश द सके छथि। मुदा मामिला तथा पुनरावेदन संबंधी अधिकार सेहो प्रदेश प्रशासन अधिकारी के देबाक एन में उल्लेख है। दैवी प्रकोप महामारी भूखमरी सन विषम परिस्थिति नियंत्रण एवं व्यवस्थापन कर सकबाक प्रशासन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में रहत से उल्लेख है। कानुनी व्यवस्थाले हेर्ने हो भने उहाँको अधिकार क्षेत्र भनेको मेन शान्ति सुरक्षा चाहे दिनको लागि सुरक्षा एकाइहरूलाई समन्वय गर्ने कुनै ठाउँमा चाहे दङ्गा फसाद भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो कुनै अपराध छ भने त्यस्ता अपराधहरू चाहे त्यसको लागि मुद्दाहरू चलाउने त्यस्तै दङ्गा छ भने आवश्यकता परेमा चाहे गोली चलाउन सक्ने अधिकार दिने कर्फ्यू लगाउन सक्ने अधिकार हुने यी सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ जिल्ला प्रशासन प्रमुखको हुनेछ जसको चाहिँ जसलाई हामी चाहिँ अहिले विधेयकमा राखेर अगाडि बढाइरहेछौँ। संविधान से प्रदेश के देने एकल अधिकार के सूची प्रयोग कर प्रदेश प्रशासन एन प्रदेश सभा में पेश करवाक तैयारी केने मंत्री यादव बतौलन। कानून मंत्री यादव महत्वपूर्ण विधेयक तथा कानून एक वर्ष भीतर बनाब संविधान से निर्दिष्ट केने से कहलन। संघीय सरकार के हस्तक्षेप से प्रदेश सरकार काज नहीं कर पाबि रहल ओ आरोप सेहो लगौलन। संविधानक धारा 268 के उपधारा 2 में प्रदेश सरकार अपन अधिकार भीतर के काज कर पेबाक उल्लेख है। संविधान के अनुसूची 6 के 1 में प्रदेश प्रहरी प्रशासन शांति सुरक्षा प्रदेश के एकल अधिकार सूची में है। संघीय सरकार शांति सुरक्षा के लिए प्रहरी प्रशासन
खटाबके आवश्यक निर्देशन देबके अधिकार छिनने कहित मन्त्री यादव आपत्ति सेहो जनाउने छथि। अब खोसिनेवाला छैन, यो अधिकार चाहिँ संविधानले प्रष्ट रूपमा दिइसकेको अवस्थामा अनि भूलवश यो गल्ती भएछ भने सुधार्नको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। होइन भूलवश गल्ती होइन, जानी जानी गर्ने गरिरहेछ भने त्यो संघीयतालाई अहित हुने गरी संघीयतालाई तुहाउने चाहिँ षड्यन्त्र छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्री यादव संघीय सरकार संविधान उल्लङ्घन क के नीति आ एन आइन क संघीयता के कमजोर बनाबमे लागल सेहो जिकिर केलनि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह 4 दिने मधेश भ्रमण के क्रम में रवि दिन जनकपुर धाम से काठमांडू घूरल छथि। भिनसर करीब 11 बजे होटल सीता शरण से गाड़ी में ओ सप्तरी दिस गेल छला। शाह के विदाई करबाक लेल होटल में शुभेच्छुक सब के भीड़ लागल छल। ओ सब शाह के फूल के माला दैत विदाई केने छला। ओ सब हमरो राजा हमरो देश प्राण भन्दा प्यारो छ लगायतक नारा लगौने छल। समर्थक सब के हाथ से फूल माला ल क मुस्कुराइत पूर्व राजा शाह ओत से विदा भेल छला। संचारकर्मी सब बेर बेर पूर्व राजा शाह संग प्रश्न पूछला पर वो हाँसि के बात के टाल देने छलथि। जनकपुर धाम भ्रमण केहन रहल कह के संचारकर्मी सब के प्रश्न में पूर्व राजा शाह निके रहल कहने छलथि। पूर्व राजा गाड़िए में सप्तर स्थित सकड़ा भगवती के पूजा गाड़ी के पूर्व राजा रवि दिन सप्तरी स्थित सकड़ा भगवती के पूजा पाठ दर्शन केलन। मंदिर में पूर्व राजा शाह के समर्थक सब उनका स्वागत केने छला। मधेश भ्रमण के क्रम में राजा समक्ष संचारकर्मी सब विभिन्न किस्म के प्रश्न पूछने छला। मधेश भ्रमण कर के उद्देश्य की है, देश के अवस्था कौन किस्म से देख रहल छी, राजतंत्र घूरत कि नहीं सन प्रश्न के सामना राजा जनकपुर धाम से मलंगवा सप्तरी धर केलन। मुदा ओ जनकपुर धाम में किछ बजलन तो किछ सप्तरी में सेहो। दोनों ठाव में प्रश्न पूछला पर हुनकर कहब छल हमरा नहीं पूछू, ओ देश के अवस्था सहित पूछल गेल संपूर्ण प्रश्न के अवस्था बारे जनते संग बुझ आग्रह केने छलथ। सरकार अब हजुरले चाहिँ अस्ति मधेश के तराई कहल गेल बाहेक हुनाखरेक प्रश्न के उत्तर यह छल। अ बाहेक ओ स्वयं देश में शांति आ प्रगति के कामना कर आयल से बतौने छलथि। जनकपुर धाम में मुकाम बना कर रहल राजा स्थानीय सीता शरण होटल में बास बैसल छला। 4 दिन धर वह होटल के 4म तल्ला में रह कर पूर्व राजा मधेशक जिला सब घूमलन। 2 चैत में अकस्मात भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी सेहो जनकपुर धाम पहुँचल छला। भारतीय राजदूत जनकपुर धाम मेला पर अधिकांश संचारकर्मी सब सेहो पता नहीं पेलन। ओ रेलवे लाइन के अनुगमन केने बाद सामाजिक संजाल से बहुतों गोटे के बुझा में आयल। वह राजदूत सिंह सेहो पूर्व राजा रहल सीता शरण में शनिक राति बितौलन। ओ पूर्व राजा संग करीब 1 घंटा भेंटवार्ता केने बताओल गेल। यद्यपि पूर्व राजा आ भारतीय राजदूत बीच भेल भेंटवार्ता बारे राजा निकट सब बाजने चाहलन, ई बात हम सब नहीं कह सकै छी। राजा निकट के किछ व्यक्ति सब कहलन हम सब संबंधित बात सब कह लेल असमर्थ छी। अ विषय में स्वयं जे जेहन कहने रहितो भारतीय राजदूत 81 जनकपुर धाम आब आ पूर्व राजा रहल होटल में जा कर रहब संजोग नहीं अछि। ऐसा पूर्व राजा भारतीय राजदूत संग भेंट केने जनकपुर धामक हिंदूवादी संगठन सभक बीच चर्चा अछि। सरकार संग 11 बुदे सहमति क के मधेश आयल पूर्व पृथकतावादी नेता सी के राउत के स्वतंत्र मधेश गठबंधन के राष्ट्रीय परिषद बैसार राष्ट्रीय गांधी गवर्नमेंट लहान में शुरू कैल गेल। लाल साड़ी में सजल पंचकन्या सब बैसार के शुरू में सयो थुंगा फूल कहामी एवटे माला नेपाली बोल के राष्ट्रीय गान गेने संगे सी के राउत समूह के बैसार शुरू भेल। सिरहाक लहान में रवि दिन शुरू भेल 2 दिन बैसारक सहभागी सब के नेपाली नागरिकता देखाब अनिवार्य कैल गेल। नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र देखा के मात्र बैसार हॉल में प्रवेश कराओल गेल।
डाक्टर सी के राउत स्वतंत्र मधेश के जनरा नहीं छोड़ने कह का आलोचना भ रहा बेर में बैसार में राष्ट्रीय गान आ नागरिकता अनिवार्य पृथकतावादी अभियान परित्याग के संदेश देव खोजल गेल स्रोत जनौलक दू दिन धर चल वाला बैसार से भावी रणनीति तय कल जात अह बीच गृहमंत्री राम बहादुर थापा बादल संसद में संबोधन कला पर आब सी के राउत स्वतंत्र मधेश गठबंधन नाम बदल पड़वाक बता चुकला से पार्टी के नाम के विषय में बैसार में विमर्श हाथ से बताल गए सरकार संग के 11 बुद्धे समझौता के बाद राउत पहल बेर परिषद के बैसार बजौने बैसार में सरकार संग भेल समझौता आ आगामी रणनीति के विषय में विमर्श हेत गठबंधन के नेता सुदीप राज कुशवाहा बतौने हुनक अनुसार बैसारक बाद गठबंधन आधिकारिक धारणा सार्वजनिक करत बैसार सोम दिन धर चलत बैसार में उपत्यका सहित 23 जिला के 200 गोटे के सहभागिता है बैसारक बाद राउत के लहाने में शक्ति प्रदर्शन सहित नागरिक अभिनंदन करबाक कार्यक्रम है लगले सप्तरी के रूपनी जेबाक आ ओतो नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम राखल गेल गठबंधन जनौलक कार्यक्रम स्थल मारवाड़ी सेवा सदन भीतर प्रवेश केने नेपाल प्रहरी के 2 गोटे के राउत के कार्यकर्ता बाहर निकालने छल सुरक्षाकर्मी के सेहो राउत के कार्यकर्ता सब चेक जांच केने छल बैसार में सहभागी होब गेल गठबंधन के कार्यकर्ता के सेहो मूल गेट में कड़ा सुरक्षा जांच के बाद भीतर में प्रवेश देल गेल छल सरलाही के हरिपुर में रवि दिन बेरिया मोटरसाइकिल दुर्घटना में 1 गोटे के जान गेले ते गोटे गंभीर घायल भेले छे लालबंदी नगर पालिका 1 नेत्रगंज के 35 वर्षक राम इकबाल गुप्ता के दुर्घटना में पड़ कर मृत्यु भेले छे गंभीर घायल भेल गुप्ता के इलाजक लेल सदर मुकाम मलंगवा स्थित जिला अस्पताल पहुंचाओल गेल मुदा चिकित्सक से हुनका मृत घोषणा केने छल गंभीर घायल नेत्रगंज के 25 वर्षक राम कुमार यादव के जिला अस्पताल मलंगवा में प्राथमिक इलाजक बाद थप इलाजक लेल भरतपुर रेफर कयल गेल छ हरिपुर बाजार से चितायन जा रहल ना 44 पर 9435 नंबरक मोटरसाइकिल तीव्र गति के कारण पोल में ठोकरायल छ पुलिस जनौलक अछि नेपाली कांग्रेस धमसाक नगर समिति माध्यमिकी परिक्रमा के संरक्षण संवर्धन तथा पर्यटन संग जोड़ लेल मोटरसाइकिल रैली निकाल लागल नगर सभापति मनोज कुमार शाह रवि दिन पत्रकार सम्मेलन का एतुका धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के उजागर करबाक उद्देश्य से 15 दिने माध्यमिकी परिक्रमाक विश्राम स्थल सब में मोटरसाइकिल से पहुँच कर अवलोकन कयल जायत से बतौने वो अधिकांश युवा पीढ़ी के 15 दिने परिक्रमा के बारे में जानकारी नहीं भ सकत ते आधा घंटा विश्राम स्थल में उस संबंधित जानकारी कराल जायत से कहलन नगर सभापति शाह मंगल दिन भिनसर 6 बजे प्रथम परिक्रमा पड़ाव स्थल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 12 स्थित हनुमान नगर से मोटरसाइकिल रैली शुभारंभ हेत से जानकारी देने छथि आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संपूर्ण जनकपुरवासी भूषावासी मोतरीवासी साथ नेपाल और भारतवासी के धार्मिक पर्यटकीय नगरी जनकपुर धाम में जो पर्यटन अखन परिक्रमा भ रहा है एक परिक्रमा में युवा सबके विशेष सहभागिता के लिए नेपाली कांग्रेस नगर समिति आह्वान कर रहा है हम सब मंगल दिन 5 गते प्रथम पड़ाव स्थल हनुमान नगर जनकपुर धाम से परिक्रमा ल कर मोटरसाइकिल से 15 पड़ाव के भ्रमण अवलोकन और अध्ययन के लिए जा रहा है तो संपूर्ण युवा वर्ग से विशेष आग्रह है कि मंगल दिन 5 गते सुबह 6 बजे हनुमान मंदिर पर जमा हो जनकपुर के धार्मिक पर्यटकीय नगरी बढ़ावे में आगा बढ़ल जाए नमस्कार धन्यवाद रैली में सहभागी रहत से ओ बतौलन ओ ओतस कल्याणेश्वर गिरजास्थान मटिहानी सतोखर औरही करुणा बिसौल होत जनकपुर धाम एबाक कार्यक्रम रहल से कहलन प्रत्येक विश्राम स्थल में स्थानीय सबके जमघट में स्थल के महत्व के बारे में जानकारी कराल जायत अय में नेपाल भारतक युवा सबके सेहो सहभागिता रहत से ओ दावी कयलन राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ धनुषाक आयोजना में विद्यार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम रवि दिन शुरू भेल छ कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि प्रदेश दू के संपूर्ण विद्यार्थी सबके एकजुट भका आगा बढ़ आग्रह कलन शिक्षा क्षेत्र में भ रहल बेसी शुल्क मूल्य वृद्धि न्याय के विरुद्ध में आवाज उठाब सब विद्यार्थी के कलम ल के आगा बढ़ ओ निर्देशन देने छले थे पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी तो वो जो कला संभावनाओं का जो कला का संभावना या संभावना का जो कला की बात उन्होंने की है तो वो एक माध्यम है जिसको जिसके माध्यम से लोगों ने अपनी बात रखी और मैं एक ज्वलंत उदाहरण दूंगा कि
कम्युनिस्ट लोग भोजपुरी में तो हमारा बारा परसा बहुत ही सेंटर रहा है बारा जिला, खासतौर पर बारा परसा रौतहट, मकवानपुर, चितवन और आपको ये पांच जिला कम्युनिस्ट का सेंटर रहा। तो उसमें उन लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों को गीत और गजल के माध्यम से जबरदस्त इसको लिंक किया था। मैं खाली इसको बात रखा। अब रोगी को कहना था मंत्री सोनल, देश में भऽ रहल द्वंद्व, हिंसा, न्याय, बलात्कार सन घटना नहि होबय देबाक लेल विद्यार्थी के माध्यम से आगा बढ़ल जायत से कहलनि। राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ धनसाक अध्यक्ष त्रिदेव मिश्र के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रदेश दू के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल, राजपा नेपालक नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, राजपा अध्यक्ष मंडल, धनसाक सदस्य ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानु, विद्यार्थी नेता लाल बाबू शाह, मनीष कुमार मिश्र, सुभाष कर्ण, शम्भू निर्दोषी लगायत के उपस्थिति छल। प्रशिक्षण अभियान विभिन्न जिला सब में निरंतर चलत से विद्यार्थी नेता मनीष कुमार मिश्र जानकारी दिलायन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असामाजिक, लूटपाट, हिंसात्मक, विध्वंसात्मक गतिविधि नहीं कर पेबाक आ ओ छूट सरकार नहीं देत से बतौलने छे। विराटनगर में रवि दिन तरकारी तथा फल फूल बाजार के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ओली एहन धारणा रखलनि। प्रधानमंत्री ओली पृथकतावादी समाप्त भेला से शांतिपूर्ण ढंग से देश संचालन में लागत सब गोटे से आग्रह कलन। लोकतंत्र के आवरण में नेत्र विक्रम चंद समूह के ने अराजक गतिविधि में प्रतिबंध लगाओल गेल प्रश्न करे तो कानूनी परिधि भीतर अपन राजनीतिक क्रियाकलाप कर आ हथियार बुझाव सरकार समय देने से स्पष्ट कलन। लुटेरा समूह के हथियार बुझाव के समय दिल गेल कहे तो समय में नहीं बुझलक तो सरकार हथियार लेब स्वयं घर घर में जायत से कहलन। उ चंदा के नाम में जनता के धमकी आ त्रास दिखाब के गतिविधि लोकतंत्र में नहीं चलत से धारणा रखने छला। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली बाजार के चाभी प्रदेश नंबर एक के मुख्यमंत्री शेरधन राय के हस्तांतरण कलन। त जग्गादाता जनप्रिय माभी कटहरी गांव पालिका के अध्यक्ष निर्माण कंपनी के सम्मान कलन। नेपाल सरकार आ विश्व बैंक के अनुदान में 15,48,49,000 के लागत में भूमि कंस्ट्रक्शन प्रणाली बाजार निर्माण कलक। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा पछिला बेर पार्टी में देखल गेल विवाद में सहमति जुटाब के प्रयास स्वरूप बूढ़ा नीलकंठ स्थित निवास में बैसार बजौने छथि। सोम दिन बैसबला केंद्रीय कार्य समिति के मध्य नजर करत देउवा पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा शीर्ष नेता सबके अनौपचारिक बैसार बजौने छथि। देउवा के स्वकीय सचिव भानु देउवा बैसार में पार्टी के अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति, नेवी संघक नेतृत्व चयन तथा विभाग गठन लगातक विषय में विमर्श हेत से कहलनि। अनुशासन आ निर्वाचन समिति गठन सहमति बेगर कर खोजला पर वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल आ पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्ष केंद्रीय कार्य समिति बैसार बहिष्कार करबाक चेतावनी दैत आयल अछि। संस्थापन पक्ष सहमति के प्रयास नहि केने पौडेल पक्ष के ऊपर आ गेल, मुदा संस्थापन पक्ष समिति गठन से पहिने निरंतर सहमति के प्रयास कर रहल से दावी कलक अछि। संघीय सरकारक उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव सीके राउत सरकार समक्ष आत्मसमर्पण केने आशय व्यक्त कलने। विराटनगर विमानस्थल में रवि दिन संचारकर्मी संग बातचीत करत मंत्री यादव आंदोलन के बेर में जेल में पड़ल कतेको कार्यकर्ता आत्मसमर्पण केने स्तर में मुचुलका उठौने उदाहरण दैत यादव सीके राउत सरकार संग केने सहमति वह प्रकार के रहल से कहलनि। संघीय समाजवादी फोरमा के अध्यक्ष सेहो रहल यादव सीके राउत विखंडन के एजेंडा परित्याग केने आ ओहिसँ अपना सबके राजनीति में सकारात्मक भूमिका निर्वाह करत सेहो बतौलनि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड रवि दिन अमेरिका प्रस्थान कलने। ओ रवि दिन बेरिया पत्नी सीता दाहाल के स्वास्थ्योपचारक लेल अमेरिका प्रस्थान कलने। प्रचंड के संगे हुनक स्वकीय सचिव तथा पुत्री गंगा दाहाल सेहो अमेरिका गेल छथि। सीता दाहाल के इलाज अमेरिका के जोन हॉकिंग्स अस्पताल में होयत आ ओत प्रोग्रेसिव सुपर न्यूक्लियर प्लास्टिक के इलाज होयत से प्रचंड बतौलनि। ओ देशक राजनीतिक अवस्था आ पार्टी एकता के बाकी काज पूरा कर स्वयं जल्दी स्वदेश घूरब से जानकारी दिलन। ओ अमेरिका में रहला पर किछ भेटघाट भ सकबाक आ ओहि के व्यवस्था परराष्ट्र मंत्रालय कर रहल से कहलनि। फरक प्रसंग में ओ आपके बजट देशक विकास में केंद्रित होयत कहत विकास के लेल एक भ के आगा बढ़ अपील केने छलथि। स्वास्थ्य उपचार मेरो मिसेस को स्वास्थ्य उपचार यहाँहरुलाई सबैलाई थाहा छँदै छ। पहिला सिंगापुरमा पनि एकचोटि हामीले उपचारको निम्ति गयौँ
र केही हदसम्म त्यसले सहयोग पनि गर्यो तर अमेरिकामा बस्ने केही साथीहरूले अमेरिकामा यो सम्बन्धी सबभन्दा पछिल्लो अनुसन्धान भइरहेको छ र त्यो वासिङ्टनमै एउटा रिसर्च सेन्टर पनि छ र फेरि बाल्टिमोरमा चाहिँ जन हपकिन्स भन्ने एउटा विश्व प्रसिद्ध हस्पिटल पनि छ त्यहाँ पनि यो बिमारसँग सम्बन्धित उपचारको राम्रो चाहिँ व्यवस्था छ भनेर साथीहरूले भनेपछि भयो गरिराख्नु भएको छ र त्यसै सन्दर्भमा म जाँदैछु त्यहाँदेखि मुख्य विषय उपचारको क्रममा नै हो यहाँहरू सबैलाई थाहा भइसकेकै छ त्यो बिमार पहिला पार्किन्सन भनेर हामीले सामान्यत भनिएको थियो तर पार्किन्सनको पनि विभिन्न भेराइटी मध्ये त्यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ सुप्रा न्युक्लियर पाल्सी भन्ने एउटा विशेष प्रकारको बिमार हो त्यो पार्किन्सनिजमभित्रको तर पार्किन्सनै चाहिँ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलि जटिल चाहिँ हुन जान्छ अध्यक्ष प्रचण्ड यसो पहिले अमेरिका जेबाक तयारीमा छला मुदा भेनेजुएला काण्डके बाद भ्रमण स्थगित भेल छल बादमा अमेरिकाके ग्रीन सिग्नल पेने सँगै प्रचण्ड पत्नी सीताको इलाजक लेल अमेरिका गेल छथि प्रचण्डके विमानस्थलमा सुभाष नेमवाङ देवेन्द्र पौडेल सुनिल प्रधानमन्त्रीके राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायत विदाई केने छलथि गिरीश चन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्बाक माग गरेत राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा रविदिनके प्रतिनिधि सभाक बैसार अवरुद्ध बेरिया बैसार सुरु भेलाक बाद राजपाके सांसद सब अपन अपन स्थानसँ ठार भएको विरोध जनाउने छला लगले सभामुख कृष्ण बहादुर महरा राजपा सांसद लक्ष्मण लाल कर्णके बाजल समय देलनि ओ सभामुखके आदेश सेहो सरकार नै टर्ने कहित असन्तुष्टि जनाउने छला यसो पनि सरकार अपना सबसँग केने सम्झौता कार्यान्वयन नै केने आ आयोगके प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भेल कहित बैसार नै चल देबाक ओ जानकारी देने छलथि सीहरू र थारूहरू के हो समझमा आउँदैन हाम्रो मुद्दा फिर्ता हुँदैन राज्यले स्वीकार गर्छ तर मुद्दा फिर्ता गर्दैन र त्यसैको आज रेशम चौधरी दुर्भाग्यपूर्ण एउटा फैसलामा पर्नु भएको छ हामी पटक पटक उठाइराखेका छौँ गिरीश चन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस् को दोषी छ को निर्दोष छ भन्ने कुरा त राज्यले बनाएको आयोगको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ यो गलत फहमी किन किन कसैमा गलत फहमी रहने त्यो आयोग साधारण जुन बेला पेस भयो त्यही बेला सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा आजसम्म भएको छैन र यो पटक पटक हामीले यहाँ आवाज उठाउने पटक पटक संसद अवरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ अर्को दुर्भाग्य के भएको छ भने यो सरकार संसदबाट बनाएको हो कि होइन थाहै हुँदैन यो संसद माथत सरकार हो कि होइन संसदले बनाएको सरकार हो कि होइन यदि संसदले बनाएको सरकार हो र सरकार संसदप्रति जिम्मेवार छ भने सभामुखले ध्यान आकर्षण गराउँदाको अवस्थामा पनि स्वयं यो संसदबाट सभामुखले गरेको ध्यान आकर्षण यो पनि एउटा ठुलो हो संसदको आदेश हो निर्देशन हो त्यसले पनि सरकारले संसदलाई पनि नमान्ने संसदको आदेश र निर्देशनलाई पनि नमान्ने र सभामुखबाट यो निर्देशन हुँदाहुँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म पनि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको कारणले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म हामीले यो संसद चल्न दिन्नौँ यो संसद अवरोध गर्छौँ भन्ने म अनुरोध गर्छु सभामुख सभामुख महरा राजपा सांसदके बैसल लेल आग्रह केने रहेत ओ सब ठार भऽ कऽ विरोध जनौलाक बाद बैसार स्थगित केने छलथि इएह माग रखैत राजपा एहिसँ पहिनेके बैसार सेहो अवरुद्ध केने छल मुदा सभामुख महरा ई विषयमे सरकारके रूलिंग केलाक बाद एहिसँ पहिनेके बैसार चलल छल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सरकार सञ्चालनके पछिल्ला एक वर्ष प्रगति विवरण सार्वजनिक केलक अछि मन्त्रालयमे पत्रकार सम्मेलन करैत मन्त्री वर्षमान पुन अनन्त विवरण सार्वजनिक केलनि मन्त्री पुन 2074 चैत 3 मे मन्त्रालय सम्हारने छलथि ओहिके ठीक एक वर्षमे रवि दिन एक वर्ष प्रगति विवरण सार्वजनिक केलनि मन्त्री पुन सरकार सञ्चालनके एक वर्षमे
श्वेत पत्र में उल्लेखित नीतिगत एवं कार्यगत मार्गचित्र सलेने लक्ष्य सब अनुरूप काज कर मंत्रालय तथा मंत्रालय माथत के संपूर्ण कर्मचारी सब के साथ आ सहयोग प्राप्त भेल से बतौलन। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान के प्रभावकारी कार्यान्वयन कर 2075 से 85 के अवधि के ऊर्जा तथा जल स्रोत दशक के रूप में मनाब जका काज भ रहल कहलन। ओ मंत्रालय के जारी केने श्वेत पत्र अनुसार ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई क्षेत्र में काज भ रहल सेहो जिक्र केने छलथि। नेपालक पानी जनता के लगानी हरेक नेपाली विद्युत के शेयर धनी नारा के संग जनता के जल विद्युत कार्यक्रम घोषणा कार्यक्रम संचालन में आनल गेल कहित ओ कार्यक्रम प्रभावकारी हैत से ओ कहलन। कैलालीको हनुमान गुफा 132 केबीको सविशेष पुरा भएर उहाँ आफैले उद्घाटन गरेको छु र हामीले धर्केवर मुजफ्फरपुर 320 केबी सविशेषन चार भइसकेको छ, सम्पन्न भएर 400 केबीको काम भइरहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले यो नयाँ हेटौँडा धर्केवर 300-400 केबी सविशेष विस्तार, नयाँ हेटौँडा किनौँमा 400 केबी डिआइएस सविशेषन निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। तहिना मंत्रीपुन जल विद्युत उत्पादन के लेल बहुत रास आयोजना सब आगा बढ़ल आ अन्य देश सब संग सेहो एहि क्षेत्र में सहकार्य के लेल सहमति कयल गेल से जानकारी देलन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा सूचना प्रविधि संबंधी विधेयक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता विरुद्ध नहीं भ डिजिटल माध्यम के व्यवस्थित करम लेल आन पड़ल बतौलने। संसदीय मामिला पत्रकार समाज आ प्रविधि पत्रकार मंच रवि दिन सिंह दरबार में संयुक्त रूप में आयोजना केने सूचना प्रविधि संबंध में व्यवस्था करय लेल बनल विधेयक के विषय में सरोकार वाला संग अंतरक्रिया में ओ डिजिटल माध्यम के व्यवस्थित कर ओ विधेयक आनने स्पष्ट कलन। मंत्री बास्कोटा सामाजिक संजाल के दर्ता कह कर नियमन करबाक व्यवस्था सेहो ओहि विधेयक में रहल से उल्लेख कलन। डिजिटल नेपाल निर्माण में सेहो सूचना प्रविधि के क्षेत्र एकटा मुख्य आर्थिक केन्द्र बनि सकबाक कहेतो विश्वभर दर्ता कह कर सामाजिक संजाल चलेबाक आ राज्य के कर तिरबाक व्यवस्था भेल बतौलन। मंत्री बास्कोटा के अनुसार फेसबुक से 35 देश के 42 कार्यालय खुजल है, गूगल 40 देश में कार्यालय खोलने। मंत्री बास्कोटा सामाजिक संजाल कंपनी सामाजिक संजाल दर्ता कर पड़बाक आ स्वदेशी व विदेशी कंपनी कर के दायरा में आब पड़त से धारणा रखलन। मेजर इकोनोमिक जोन भयो कि भएन त भयो, त्यसो भएपछि यस सम्बन्धी ल्याउनु पर्ने नीतिगत कानुनी व्यवस्थापनका कुराहरूमा यो विधेयक लिएर आउन जरुरी थियो। अभाव छ भने यो क्षेत्रलाई धेरै लामो समयदेखि नेतृत्व गर्नुभएको बुझ्नुभएको पढेर वा परे कुरा त दुइटा हुन्छ, बाँकीको त कल्पना हुन्छ। यो क्षेत्रमा जो लाग्नुभएको छ उहाँहरूले पढेर के अभाव छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ। अब पढेर पनि जान्ने हुन्छ आधुनिक टेक्नोलोजीलाई अभ्यस्त बनाउने कुरामा, त्यस हिसाबले यो लिएर आइएको हो। र दण्ड शरीर जरिवाना आदि इत्यादिका कुरा छन् र सामाजिक सञ्जाल पनि म तपाईँहरूलाई दावासाथ भन्छु फेसबुकले 35 देशमा 42 कार्यालय खोलेको छ, नेपालमा चाहिँ खोल्नै नहुने भन्ने कहीँ छ? खोलेन भने के गर्छ भनेर किन भने छ नि। त्यो गुगलले 40 देशमा कार्यालय खोलेको छ, सबभन्दा ठुलो त यिनै होला। मन्त्री बास्कोटा पत्रकारिता आ सामाजिक सञ्जाल एकैटा बात नै रहल उल्लेख करैत पत्रकारिता राष्ट्र आ नागरिक प्रति उत्तरदायी हेबाक आ सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत रहल से बतौलन। विधेयक के विषय में सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राम नारायण बिराड़ी आ अधिवक्ता संतोष सिग्देल कार्यपत्र प्रस्तुत केने छलथि। ओ विधेयक विकास तथा प्रविधि समिति में विमर्श के क्रम में अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा आर्याल मालपुत कार्यालय के काज जल्दी और डिजिटल प्रविधि में ल जल जात से बतौलिए। रवि दिन काठमांडू के कलंकी मालपुत कार्यालय के निरीक्षण करे तो कागजी काज से झंझटगर रहला से व्यवस्थित कर जल्दी डिजिटल प्रविधि में ल जल जात से कहली। मंत्री आर्याल मालपुत में ढीला सुस्ती भेल उपराग बढ़ला से विशेष योजना सहित काज करबाक उल्लेख केने छली। ओ पारदर्शी रूप में काज कर कर्मचारी सब के निर्देशन दैत भ्रष्टाचार नियंत्रण में विशेष ध्यान देल जात से कहने छली। मंत्री आर्याल चैत भीतर कलंकी दिल्ली बाजार आ चाबहिल मालपोत से डिजिटल प्रविधि में काज कयल जात से जानकारी देने छली। जनताले अनुभूत गर्ने खालको भएन भने परिवर्तन जनताले देख्न सक्दैन। हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले सोचेको कुरा सर्भिस डेलिभरीको पार्टनरले
कसरी जनताले अनुभूत गर्ने सुधारको महसुस गर्ने प्रशंसा गर्ने कसरी बनाउने हाम्रो चिन्ताको विषय हो र सुशासनको कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक भन्नुभएको छ सुशासनसित जोडिएर केही प्रश्न हाम्रा भूमि व्यवस्था नातका मालपोत नाति कार्यमा जोडिएका छन् भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग मालपोत कार्यालय सुधार गर 18 बुधे कार्य संरचना कार्यान्वयन भेल के नै ताइबारे मन्त्री अर्याल अनुगमन केने छलि युनिभर्सल कलेज न्यू समिट कलेज अपोलो इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँ मोडेल कलेज तथा हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङ के संयुक्त आयोजनामा चैत 5 गते काठमाडौँमै काठमाडौँ युथ कन्क्लेभ 2075 आयोजना हेत रवि दिन काठमाडौँमै आयोजक कलेज के प्रतिनिधि सब पत्रकार सम्मेलन कन्क्लेभ के सम्पूर्ण तयारी पूरा भेल से जानकारी करौलनि युनिभर्सल कलेज शान्ति नगर के प्राचार्य डाक्टर शिव दत्त गेवाली 10+2 के बादो स्वदेश में उच्च शिक्षा देव अपना सब सक्षम रहला विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रदान कर सक्षम रहल संदेश देव से हो ई कन्क्लेव आयोजना कैल जा रहल से कहलन केवाली देश सशक्त युवा युवती सबके विदेश जा सब पहिने देश में संभावना खोज उत्साहित क नेपाले में उच्च शिक्षा प्रदान कर देश के आर्थिक विकास में सक्रिय नेतृत्व द स्वरोजगार के अवसर सब सृजना कर परत से धारणा रखलन देश सेवा में अभिप्रेरित कर सेहो ई कार्यक्रम सब पैघ योगदान तथा भूमिका केलत से हुनकर कहब छलन यहाँले बुझिसक्नु भएको छ पहिलो कुरा वाइ नट टु कन्टिन्यू फर्दर एजुकेसन इन नेपाल आफ्टर प्लस टू भन्ने हाम्रो एउटा जिज्ञासा हो र नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा यहाँका प्राइभेट गभर्मेन्ट कलेजेसहरू सबैले नेपालमै उत्कृष्ट शिक्षा दिन हामी सक्षम छौँ भनेर विगत वर्षहरूमा हिसानले पनि यस्तो नारा लगाएर हामीले एक्जिबिसन गरेका थियौँ यहाँहरूलाई अवगतै छ र हामी भन्छौँ वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु गिभ इन्टरनेसनली कम्पिटिटिभ एजुकेसन इन नेपाल नट ओन्ली आफ्टर प्लस टू बट राइट फ्रम द बिगिनिङ यो हाम्रो कन्फिडेन्सलाई युवा पिँढीमा बुझाउन हामी कोसिस गर्नेछौँ कन्क्लेभ में नेपालक सफल बैंकर अनिल केसरी शाह द पावर अफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग शीर्षक में अपन लेक्चर देता प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आईटी विज्ञ असगर अली द फ्यूचर अफ ई कमर्स एंड आईटी सेक्टर इन नेपाल आ द जर्नी फ्रॉम स्टार्टअप टू एंटरप्रेन्योर शीर्षक में प्रवचन देता ओ एक दिवसीय कन्क्लेव में 18-20 वर्ष उमेर समूह के करीब 3000 युवा युवती सबके सहभागिता रहबाक अपेक्षा कयल गेल से आयोजक जनौलक अछि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी संयुक्त के अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर जबरा आ डाक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी नेकपाक शासनकाल में देश भ्रष्टाचार में डूबल बतौलने दू तिहाई के बहुमत प्राप्त सरकार से स्थायित्व आ विकास हैत से जन अपेक्षा विपरीत देश में कुशासन आ अनियमितता व्याप्त रहल कहत अध्यक्ष द्वय चिंता व्यक्त कयलनि व्हाइट बॉडी बूढ़ी गंडकी आ मेलमची प्रकरण सब सरकार भ्रष्टाचार में डूबल प्रमाणित करत अछि सरकार भ्रष्टाचार में डूबल अछि पछिला अवस्था देखला पर सरकार केन्द्र के भ्रष्टाचार गाँव गाँव धरि पहुँचौने अध्यक्ष राणा कहलनि नेकपाक सांसद सहभागी रहल लेखा समिति व्हाइट बॉडी प्रकरण में भ्रष्टाचार भेल ठहर केलक सरकार अध्यक्ष सहित अन्य दू गोटे सदस्य रहवला आयोग गठन करबाक घोषणा केलक मुदा ओ आयोग जिम्मेवारी पत्र नहीं पेलक व्हाइट बॉडी सोना प्रकरण सन अनेक घटनाक्रम से सरकार सुशासन नहीं भ कुशासन देने प्रश्न करत अछि सरकार के भ्रष्टाचार आ कुशासन के पहल दर्जा के तकमा लगा देवला पर हैत अध्यक्ष लोहनी कहलनि हिंदू राष्ट्र के पहचान कायम कर के हम सब आंदोलन समेत कर तैयार छी सहमति के ने पराते भी ने राउत मधेश नेपाल में कहिया समावेश नहीं भेल हमेशा अलग रहल बतौलन सरकार ए बारे मौन रहला से सरकार के धारणा प्रष्ट कर परत से ओ सब कहलन टाइम्स समाचार में आब आर्थिक प्रसंग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय एयरलाइन्स कम्पनी 3 महिना भित्र बक्यौता चुक्ता नै केलक त अपना सब जहाज ग्राउन्डेड गरजका आगा बढब से जनौलक अछि
सिंहदरबार में रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति में बकेवता रकम के विषय में भेल विमर्श में विमानस्थल कार्यालय के प्रमुख राजकुमार छेत्री विमानस्थल से असूली करवला बकेवता रकम मात्र लगभग 2.5 अरब पहुँचल कहित बकेवता नई तिरवला एयरलाइंस के जहाज ग्राउंडेड कैल जायत बतौलन। विमानस्थल भीतर व्यापार व्यवसाय करत आयल दुकान होटल तथा एयरलाइंस कंपनी के बकेवता 2075 पुष मसान धर में मात्र 2,47,93,27,739 रुपया पहुँचल। संचालन में रहल एयरलाइंस कंपनी मध्य सबसे बेसी बकेवता रकम राष्ट्रीय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइंस ADF सहित करीब 34 करोड़ से बेसी पहुँचल। नेपाल एयरलाइंस एखन किस्ताबंदी में बकेवता चुकता करत आयल। आंतरिक दिश संचालन में नहीं रहल 12 एयरलाइंस मध्य सबसे बेसी 4,63,00,000 से बेसी आ कॉस्मिक एयरलाइंस के 3,33,00,000 से बेसी बकेवता है। रकम असूली के लिए प्रक्रिया शुरुआत भेल क्षेत्री बतौलन। तहिना विविध कारण से विमानस्थल भीतर रहल दुकान होटल से बकेवता रकम नहीं उठ सकल से हुनकर कहब छलन। उहाँलाई पोषित गर्ने उहाँलाई फेसिलिटेट गर्ने राजस्वको क्रममा मेहनतको क्रममा हामीले गराएको छैन। हजुर हामी भ्याकेन्ट जानुपर्नेमा उच्च अदालतमा आएको हारियो छ भने सर्वोच्चमा जाने सर्वोच्चको भने पुनर्वर्तन गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर विगतको मैले म पुनः दोहोऱ्याउन चाहिँ विगतमा केही चाहिँ अदालतको निर्णयले हामीहरू चाहिँ खुम्चेको अवस्था छ तर अब त्यो स्थिति नरहेको। दोस्रो कुरा एयरलाइन्सको भर्खरको केसमा चाहिँ जुन अहिले धेरै रकमहरू देखिएको छ त्यो एनएसी एयर एसिया र हिमालयन गो त्यो चाहिँ र त्यो हामी एकदम क्रमिक रूपमा उहाँहरूलाई चिठी पठाएर हुन्छ जहाज ग्राउन्डेड गरिदिन्छौँ भनेर पत्र पठाएर हुन्छ हामी गरेका छौँ। आज देखिएको जुन बकौता छ म यही एउटा सम्मानित लेखा समितिमा म एउटा चाहिँ अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अबको 3 महिनाभित्र उहाँहरूले लगभग सम्पूर्ण नभए तापनि धेरै प्रतिशतको बकेट उहाँले तिर्नुपर्ने हुन्छ भएन भने उहाँहरूको जहाज ग्राउन्ड हुन्छ। तर म एउटा कुरा फेरि यहाँ पत्रकार साथीहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जहाज ग्राउन्ड गर्दाखेरि मैले एउटा 16 एयरलाइन्सको जहाज ग्राउन्ड गर्दाखेरि मलाई धेरै साथीहरूले के भन्नुभयो भने नेपाली एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड गरेर त झन् गाह्रो भएन भन्नुभयो। अब त्यो पनि एउटा बाध्यता हुनसक्छ तर त्यो भए तापनि मैले हाम्रो निवेदन महानिर्देशकज्यूको आदेश बमोजिम। बैसारमे सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल बकेवता रकम उठाब विमान कार्यालय से उदासीन रहल से कहलन। संचालन में रहल आ बंद रहल एयरलाइंस के जल्दी बकेवता रकम उठाब ओ ध्यान आकर्षण करौलन। तहिना सांसद हृदेश त्रिपाठी चाह आ बिस्कुट बिक्री करबाक नाम में विमानस्थल से अवैध काज भ रहल कहित ओहिमे विमानस्थल के सचेत होबे परत से धारणा रखलन। देख्न थालेको छ। अब उदाहरणका लागि हिमालयन एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सको ADFमै 16 करोड छ, नेपाल एयरलाइन्सको 34 करोड छ नेपाल एयरलाइन्सको। अब अरूहरू पनि यता थुप्रै छन्, अब त्यो नियमित रूपमा अहिले पनि सञ्चालनमा छन् तर यतिका बढी बकेउता भइसक्यो र हाम्रो अनुभवबाट पनि बकेउता बाँकी रह्यो भने भोलि उठाउन कठिनाइ हुन्छ भन्ने चाहिँ देखिया छ। काका दाजुले विषय एउटा कुरा के छ त्यहाँ भएको अरू पनि गतिविधिहरूमा हामीले नबोले मात्रै हो, कतिपय अरू गतिविधिहरू पनि संलग्न रहेका छन् त्यहाँ व्यावसायिक संस्थाहरू जुन धेरै चर्चा चल्यो सुनहरू लगाएका कुराहरू खालि त्यो केक र बिस्कुट मात्रै होइन अरूहरू पनि त्यहाँ त्यो त्यसमा हामी नबोले मात्रै हो ती रहिराख्नु पर्ने स्थिति पनि त्यही हो कि जसरी भए पनि त्यही। विमर्श पश्चात बैसारसँग विमानस्थल के बकेवता रकम कतेक समय में उठाएल जा सकबाक ओहिके विस्तृत जानकारी समिति में पेश कर निर्देशन देल गेल छ। तहिना बकेवता रकम उठाबक विषय में पड़ल मुद्दा के बारे में सेहो समिति में जानकारी कराब बैसारसँग निर्देशन देल गेल छ। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में 20 टासँ बेसी फर्म समझौता अवधि समाप्त भेल रहितो अदालतक स्टे अर्डर के कारण व्यापार तथा व्यवसाय करैत आयल विमानस्थल कार्यालय जनौलक अछि। सांसद सब बजट कार्यान्वयन में सरकार सुस्त रहल कहित राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब सेहो ओझराहाट में पड़ल से आरोप लगौने छथि।
बजेट कार्यान्वयन के बारे में रवि दिन संसद के अर्थ समिति में भेल विमर्श में ओ सब बजट कार्यान्वयन के बारे में सेहो आवश्यक विमर्श नहीं भ सकल कहलन। ओ सब आर्थिक वर्ष के बजट कार्यान्वयन के लेल समिति देने निर्देशन कार्यान्वयन नहीं भेल कहत सांसद सब ए विषय में थप ध्यान आकर्षण कराब पड़त से कहलन। सांसद प्रमिला राय अर्थतंत्र के बारे में समिति में पर्याप्त विमर्श नहीं भ सकल कहलन। ओ मिलमची लगातक आयोजना में इससे पहले देने निर्देशन कार्यान्वयन नहीं है दुखद रहल से कहलन। तहना सांसद राम कुमारी झांकरी आयोजना छनौट में सरकार चूकल अच कहत राष्ट्रीय आयोजना के वर्गीकरण कर आ वह अनुसार प्राथमिकता तोक परत से जिक्र केने छली। के हुँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि स्पष्ट नआएको हुनाले अब हामीले यसलाई बहसको रूपमा बहस मात्रै होइन साँच्चै यसले प्रतिफल दिएको चाहिँ हामीले के प्रतिफल पायौँ हामीले के निर्देशन गऱ्यौँ यसको चाहिँ कार्यक्षेत्र कहाँसम्म हो हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएका छौँ कि हामी कार्यक्षेत्रभित्र बसेका छौँ कि अहिले विभिन्न नयाँ नयाँ कानुनहरू बन्दैछन् ऐनहरू बन्दैछन् र त्यसै हुनाले यसलाई एकदम अब यो जुन खालको समिति छ यो समितिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुपर्छ र हुनु पनि हुन्छ। त्यो विवरण माग्यो भने यही कापीमा हेर्न सकिन्छ मैले जम्मै त पढाएको छैन अहिले सरस्वती हाइलाइट हेर्दा तिनको दर्दनाक अवस्था देखिन्छ त्यसले गर्दा कम्तीमा स्वागतज्यू अलिकति मेहनत गरौँ राष्ट्रिय गौरव तलाई भन्ने पाँचवटा खोला थुनेर तराईमा पूर्वी तराई र पश्चिम तराईमा सिँचाइको आयोजना पुरा गर्ने त्यस्ता पो हुन् कि एउटा खोलाबाट 10,000 मेगावाट बिजुली निकाल्ने पो हुन् कि के हो त्यो एउटा आयोजनामा लाखौँ मान्छे युवाहरू तपाईँको इङ्गेज हुने आयोजना पो बनाउने हो कि। अर्थ समितिक सभापति कृष्णप्रसाद दहाल आब समिति के बजट कार्यान्वयन के बारे में लगा कर विमर्श करबा का इससे पहले देने निर्देश सब कार्यान्वयन भेल कि नहीं तय अवस्था के बारे में तैयारी को संदर्भ जात बतौलन भेटेर हामीले हाम्रा कुराहरु गरौला भोलि हामी खाली विगत वर्षको पूँजीगत खर्च को बारेमा चाहिँ मात्रै छलफल गर्दै छौ त्यसैले भोलि नै विषय यो राखिरहनु पर्दैन आगामी बजेटमा त्यो विषय चाहिँ समावेश गर्ने नगर्ने समावेश गर्ने हो भने कुन रूपमा गर्ने त्यसको प्रभावकारिता कसरी गर्ने त्यसको निर्देशिकालाई कसरी सच्याउनु पर्ने यो समग्र विषयमा हामी अर्कै बैठकमा छलफल गरौँला भोलि चाहिँ यो विषयमा अलि गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत हौँ भन्ने। बजेट कार्यान्वयन के विमर्श पश्चात आगामी वर्ष के बजेट ऊपर केन्द्रित भक विमर्श चलेबाक समिति के तैयारी है। आब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग इंडोनेशिया में शनिक रात आयल बाढ़ भूस्खलन में पर 63 गोटे के जान गए इस घटना में पर कतेको बेपत्ता भेल आ खोजी कार्य जारी रहला से मृत्यु होवला के संख्या और बढ़ सकबाक अधिकारी सब बतौने छथि। देश के पपुआ प्रांत में परबला जयपुरा जिला में घटना भेल खोजी तथा उद्धार कार्यालय के प्रांतीय प्रवक्ता जानकारी देने छथि अत्यधिक वर्षा के कारण जिला के बहुत रास ठाव में प्राकृतिक प्रकोप के घटना सब भेल अछि। प्रकोप में पर 21 गोटे गंभीर घायल भेल अछि त 18 गोटे सामान्य घायल भेल। प्रांतीय प्रकोप व्यवस्थापन निकाय के आपत्कालीन इकाई प्रमुख कोरी सिम्बोलोन जानकारी देलन। बाढ़ से दर्जनों घर पुल सड़क लगातक भौतिक संरचना में सेहो क्षति पहुंचल सिम्बोलोन जानकारी देने छथि। घटना से प्रभावित सबके खोजी तथा उद्धार आ राहत वितरण काज भ रहल सरकारी अधिकारी सब बतौने छथि। आब खेलकूद समाचार आठम राष्ट्रीय खेलकूद जूडो के लिए प्रदेश नंबर 108 पुरुष आ 10 महिला का 18 गोटे खिलाड़ी छनौट भेल छथि। आठम राष्ट्रीय खेलकूद तैयारी सचिवालय के अनुसार पुरुष 60 किलो नीचा झापा के रमेश मादिहांग आ लुखीराम मर्दी 66 किलो नीचा झापा के देवेंद्र बहादुर दहाल खत्री आ इलाम के विवेक कोईराला 73 किलो नीचा इलाम के पवन राय आ रंजीत कुमार यादव 90 किलो नीचा झापा के मंगलू मेचे आ 100 किलो नीचा शंखुआ सभा के यमुना प्रसाद काफले छनौट भेल छथि। सचिवालय के अनुसार प्रदेश 5 में हेबाक तय भेल आठम राष्ट्रीय खेलकूद के लेल सब प्रदेश सब में खिलाड़ी छनौट अंतिम चरण में अछि। सब प्रदेश से तथ्यांक संकलन कर रहल छी एक हफ्ता भीतर सब खेल में सहभागी होवे वाला खिलाड़ी के नामावली सार्वजनिक हेत सचिवालय के संयोजक इंद्र कार्की बतौलनि।
एसिया युथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नेपालक अजीत कुमार यादव स्वर्ण जीत लेने छे। नेपाल यूथ एशियाली खेलकूद में स्वर्ण जीतल ई पहिल बेर छे। हांगकांग में भेल 3000 मीटर के प्रतिस्पर्धा में अजीत निर्धारित दूरी 8:30.32 में पार कक स्वर्ण जीत सफल भेल छथि। ओ भारतक अमित जानगिन आ यमन के गुमिल अल हमाती के पाछा पारलनि। अमित के अजीत 6 सेकेंड से पाछा पार सफल भेला। अमित निर्धारित दूरी 8:36.34 में पार कलन तो तेसर भेल यमन के हमाती 8:38.60 में निर्धारित दूरी पार कलन। एशियाली यूथ एथलेटिक्स में 40 इवेंट में प्रतिस्पर्धा भ रहा है, जै में अखन धरि सबसे बेसी चीन 12 स्वर्ण जीत चुकल है। युवा तथा खेलकूद मंत्रालय वार्षिक कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कलक है। रवि दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन करते युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा स्वयं मंत्रालय सम्हारलाक बाद भेल कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कलन। ओ सार्वजनिक केने प्रगति विवरण में पूर्वाधार निर्माण संगे पुरस्कार प्रोत्साहन आ सम्मान तथा निर्देशिका कार्यविधि निर्माण आ संशोधन लगायत उल्लेख केने छथि। हुनक कार्य प्रगति में पूर्वाधार निर्माण में विशेष कर 3 बेर मिति घुसका अघन में आयोजन होयत कहल गेल। 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद साग आ 8 राष्ट्रीय खेलकूद केन्द्रित अछि। मंत्री विश्वकर्मा 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद के मद्देनजर करैत 8 राष्ट्रीय खेलकूद के तैयारी अंतिम चरण में पहुँचल कहलनि। तहना मंत्रालय एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला दशरथ रंगशाला के स्तर उन्नति 80% सम्पन्न भेल उल्लेख कलक अछि। वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद परिसर निर्माणक लेल भक्तपुर में 1500 रोपनी जगह प्राप्ति के प्रक्रिया शुरू। सातु प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन कर जका 1-1 आधुनिक सेवा सुविधा युक्त रंगशाला निर्माण के शुरुआत। मूलपानी क्रिकेट मैदान के जगह संबंधी समस्या समाधान भेल। पौड़ी पोखर आ शूटिंग रेंज निर्माण काज सम्पन्न भेल उल्लेख अछि। मंत्रालय वार्षिक खेलकूद दिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 प्रतियोगिता आयोजन केने आ 11 प्रतियोगिता में सहभागी भेल। मंत्री विश्वकर्मा सुदूर पश्चिम का लागि हामीले विनियोजित रकम 7 करोड बाट अहिले सबै 3 प्रदेश में 2.5 करोड 2.5 करोड रकम विनियोजन गरेर हामी कार्य आरम्भ गरिसकेका छौं भने बाकी प्रदेशहरुमा अहिले भइरहेका संरचनाहरुलाई विशेषगरी अब 3 नम्बर प्रदेश को अब काठमाडौँमा भइरहेको रङ्गशालालाई चाहिँ हामीले स्तरोन्नति अहिले गरिरहेका छौँ त्यो रोगसागसँग जोडेर, त्यसै गरी पोखरामा गण्डकी प्रदेशको जुन पोखरामा भइरहेको रङ्गशालालाई स्तरोन्नति गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यो पनि त्यो रोगसागसँग सम्बन्धित पूर्वाधारका निर्माण काम सँगै त्यो काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 इटहरीमा त्यहाँ पनि धेरै संरचनाहरू बनिरहेका छन् र अहिले बनिरहेका संरचनाहरूलाई नै स्तर उन्नति गरेर अहिले प्रदेश स्तरका रङ्गशाला बनाउने हिसाबले यी प्रदेशमा पनि भइरहेका संरचनालाई स्तर उन्नति गर्ने कामहरू भइरहेको छ। पुरस्कार प्रोत्साहन आ सम्मान दिस सीरीज विजेता क्रिकेट खिलाड़ी के प्रति व्यक्ति 5 लाख, फुटबल खिलाड़ी के 3 लाख, एशियन खेल में रजत विजेता खिलाड़ी के 5 लाख, विश्व शारीरिक सुगठन चैंपियनशिप विजेता खिलाड़ी के 5 लाख प्रदान केने लगातक उल्लेख है। तहना मंत्रालय कानून निर्माण आ संशोधन केने जनौलक है। खेलकूद के विकास संबंध में व्यवस्था करे लेल बनल विधेयक संघीय संसद में पेश केने, खेलकूद संघ में विद्यमान विवाद आ समाधान हल करबाक प्रयास आ समाधान हेबाक क्रम में रहल से उल्लेख है। एक संग एखनुक टाइम्स समाचार एत समाप्त भेल। एखनुक समाचार से हम दीपक जेबाक आज्ञा चाहे छी। सत्य तटस्थ आ निष्पक्ष समाचारक लेल देखैत रही टाइम्स टेलीविजन। प्रणाम।